हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत। आज मैं आपके लिए महिंद्रा ट्रैक्टर का जो क्लच कार्बन होता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं आपको ये गर्मी मीटर जो होता है, गर्मी मीटर के साथ साथ ये आप सेंसर यूनिट देख रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं हम। ये कार्बन टू टाइप्स के होते हैं, एक कार्बन होता है कट कार्बन और एक होता है बंद वाला कार्बन। तो इसका कट वाला जो ये कार्बन है, तो इसको क्लच खोले बिना ही इसको फिट कर सकते हैं, इसीलिए इसको कट कार्बन बोलते हैं। और ये जो कार्बन है ये बंद वाला कार्बन है, इसको क्लच खोले बिना फिट नहीं कर सकते, इसको फिट करने के लिए क्लच खोलना ही पड़ता है। तो ये तो हो गया क्लच का टॉपिक कार्बन का। और ये इसमें इसको फिट करने के बाद ये इस तरह से फिट करने के बाद ये इसमें कवर लगा करके ये बोल्ट लगा दीजिए, ये फिट हो जाता है। अब हम आपको गर्मी मीटर के बारे में बताने वाले हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गर्मी मीटर महिंद्रा ट्रैक्टर का, और ये हो गया लीड वाला गर्मी मीटर। तो ये वाला जो मीटर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसमें यहाँ तीन पत्ती वाला होल्डर लग के इसमें बार लग जाएंगे। तो इस वाले मीटर में ये सेंसर यूनिट लगेगी, ये सेंसर यूनिट आप देख रहे हैं। और ये जो लीड वाला मीटर है तो यहाँ डैशबोर्ड में लग जाएगा, और ये इसका लीड जो है ये हेड में लग जाएगा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेंसर यूनिट लगेगा उसी जगह पर ये होल वाला यूनिट लग जाएगा, तो उसमें ये फिट हो जाएगी। इसको फिर इस तरह से ये फिट हो जाएगा। ये ओल्ड मॉडल वाला मीटर भी कह सकते हैं, ये न्यू मॉडल वाला भी कह सकते हैं। इस तरह से जो है ये कार्बन का हो गया टॉपिक, मीटर का भी बता ही दिया मैंने। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ट्रैक्टर की नॉलेज के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं।